गणित के इस बहुत बढ़िया जादुई खेल में हम कोई भी 3 अंकों की संख्या लें और उसे 2 बार लिखें और उसके बाद जब हम उन्हें 7, 11 और 13 से भाग देते हैं तो वही संख्या वापस से आ जाती है। आप ये गणित का मज़ेदार खेल अपने मित्रों के साथ करके उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो मान लीजिए आपके मित्र को आप बोलते हैं कोई भी 3 अंकों की संख्या सोचिए। मान लीजिए वो 3 अंकों की संख्या है 245। तो आप कहेंगे चलो एक हम दूसरी संख्या बनाते हैं 245 और उसके बाद में एक और 245 लिख देते हैं। ये वाली पूरी चीज़ हमारी एक नई संख्या है और अब हम इस संख्या को 7, 11 और 13 से भाग देंगे जो कि कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी हैं। सबसे पहले इसको 7 से भाग देते हैं। 7 21, 7 5 35, 24, 7 21 और 7 5 35। अब ये जो बचा 350 35, इसको अब हम 11 से भाग देंगे तो हमारे पास आया 11 3 33, 11 1 11, 11 8 28 और 11 5 55 और फिर वापस से 31 85 को 13 से भाग देंगे। 13 2 26, 13 4 52 और 13 5 65। तो हमने देखा ये संख्या वापस से आ गई। चलिए अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए 245 दो बार हमने लिखा, ये है 245 को जब हम 1001 से गुणा करते हैं तब ये ऐसा होता है, क्योंकि 245 है, 245 गुणा 1000 और इसमें 245 जोड़ दें। ऐसा इसलिए 1000 से गुणा करने से 245 3 बार लेफ्ट की तरफ हिल जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि 7 और 11 और 13 को गुणा करें तो 1001 आ जाता है। कैसे? 7 को 11 से गुणा करा तो 77 और 13 को 77 से गुणा करेंगे तो 1001 आ जाता। तो किसी भी 3 अंक की संख्या को अगर हम 1001 से गुणा करते हैं तो इसका मतलब हुआ उस संख्या को 7, 11 और 13 से गुणा करेंगे और वो संख्या अपने आप को 2 बार रिपीट कर देगी। जैसे 245 को 1001 से गुणा करा तो वो बन जाएगी 245 245। और इसीलिए जब हम इसे 7 और 11 और 13 से भाग करेंगे तो वापस से 245 आ जाएगा, क्योंकि 7, 11 और 13 को गुणा करते हैं तो 1001 होता है। है ना मज़ेदार खेल? आप ये खेल अपने सभी मित्रों के साथ स्कूल में कर सकते हैं।